हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय थ्रेड क्राफ्ट। आज मैं आपको सनफ्लावर बनाना सिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैं दो कलर में सनफ्लावर में बनाई हूँ, एक ऑरेंज कलर और एक येलो कलर में। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है। ये फ्लावर बनाकर आप बहुत सारे चीज़ें में यूज कर सकते हैं, जैसे कि तोरण बना सकती हैं, थाल पुरोश बना सकती हैं, कैप में लगा सकती हैं, इसे शूज में लगा सकती हैं। ये बहुत सारे चीज़ें में आप इसे यूज कर सकती हैं। ये फ्लावर देखिए बहुत ही सुंदर है, बनाने में भी बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप बना सकती हैं। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं फ्लावर बनाना स्टार्ट करती हूँ। इसके लिए मैं देखिए पहले मैं डार्क ब्राउन कलर के ऊन ली हूँ और 2 mm की मैं क्रोशिया यूज कर रही हूँ। तो पहले देखिए इस तरह से सर्कल की तरह शेप बना लूँगी, जैसे कि आप गांठ लगाती हैं। इसके बाद मैं 2 चेन बनाऊँगी, 1, 2। सर्कल में इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। दोबारा सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से बन गई है। तो सेम इसी तरह से मैं पूरी 7 सिंगल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं 7 सिंगल क्रोशिया बना ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो धागे है इसको मैं खींच के टाइट कर लूँगी। देखिए छोटी सी सर्कल की तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए 2 चेन में जो बनाई थी उसमें मैं इस तरह से क्रोशिया डालकर ज्वाइंट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं 2 चेन बनाऊँगी और सेम इसी जगह पर क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। देखिए 2 सिंगल क्रोशिया हो गई है। स्टार्टिंग में 2 चेन में बनाई थी, इसके बाद 1 सिंगल क्रोशिया। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद इसकी नेक्स्ट चेन में मैं क्रोशिया डालूँगी और 2 सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो सारे चेन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे चेन में इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए मैं कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चेन बनाऊँगी और सेम देखिए इसी जगह पे क्रोशिया डालूँगी और सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। इसके बाद देखिए फर्स्ट चेन में क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। सेकेंड चेन में क्रोशिया डालूँगी, सिंगल क्रोशिया बनाऊँगी। तो देखिए इस तरह से बन रही है। तो सारे चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी, 1 सिंगल क्रोशिया बनाते हुए। उसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं ज्वाइंट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, मैं बहुत सारे फ्लावर के डिजाइन में बनाकर अब मैं अपने चेन में डाल रखी हूँ। तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखें, शायद कोई आपको कोई भी फ्लावर पसंद आए। इसके बाद देखिए यहाँ पे मैं 6 चेन बनाऊँगी। देखिए इस तरह से 6 चेन बनाने के बाद फर्स्ट और सेकेंड 2 चेन छोड़कर देखिए फर्स्ट 1, 2 फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर 3rd चेन में क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद 6 चेन बनाऊँगी यहाँ पे और फर्स्ट सेकंड चेन छोड़कर 3rd चेन में क्रोशिया डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। सेम इसी तरह से बनाते हुए मैं पूरी राउंड कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए लास्ट में मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लूँगी। ये छोटी छोटी लूप्स इस तरह से बन गई हैं।
जिसमें मैं लिप्स बनाऊंगी। देखिए यहाँ पे वन चेन बनाकर उनको कट कर लूँगी। ऊन हमेशा थोड़ी सी लंबी कट करनी चाहिए क्योंकि ऊन के गांठ बहुत ही जल्दी खुलती है। तो देखिए इस तरह से बन गई है। ये जो धागे दिख रही है इसको मैं अंदर कर लूँगी, अंदर करके मैं फिनिशिंग कर लूँगी। इसके बाद देखिए ऑरेंज कलर का मैं ऊन ज्वाइंट करूँगी। देखिए जहाँ पे मैं स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट की हूँ सेम उसी जगह पे मैं क्रोशे डालूँगी और ये जो मैं लूप्स बनाई हूँ चेन बनाकर, ये चेन को मैं पीछे कर लूँगी बैक साइड और फ्रंट साइड से इस तरह से बनाना स्टार्ट करूँगी। ये जो कुर्सी पर धागे इसको मैं इस तरह से खींच के लंबी कर लूँगी और सेम इसी जगह पे मैं क्रोशे डालूँगी और इस तरह से वन फंदा उठा लूँगी। इसके बाद देखिए दोबारा सेम उसी जगह पर क्रोशे डालूँगी, वन फंदा उठाऊँगी, दोबारा सेम उसी जगह पर डालूँगी, वन फंदा उठाऊँगी। तो फोर टाइम से इस तरह से फोर फंदा मैं उठा लूँगी डबल क्रोशे है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे टाइट हो रही है क्योंकि यहाँ पे मैं दो बार ज्वाइंट की हूँ सिंगल स्लिप स्टिच बनाते हुए, इसीलिए थोड़ी सी चैन में टाइट हो रही है। तो ये देखिए इसके बाद एक साथ में सारे धागे को मैं निकाल लूँगी क्रोशिया पर से। इसके बाद मैं थ्री चैन बनाऊँगी और देखिए इस तरह से क्रोशिया डालूँगी और स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइंट कर लूँगी। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट चैन में मैं क्रोशिया डालूँगी और सेम उसी तरह से मैं फोर फंदा उठा लूँगी। देखिए इसमें मैं आसानी से निकालूँगी। फोर फंदा उठाने के बाद देखिए ये जो कुर्सी पर धागे इसको मैं एक साथ इस तरह से निकाल लूँगी, जैसे कि पफ फ्लावर बनाती हैं पफ की तरह डिजाइन सेम उसी तरह से बन रही है। इसके बाद मैं यहाँ पे थ्री चेन बनाऊँगी, वन टू थ्री, और देखिए ये पफ के पास इस तरह से मैं कुर्सी डालूँगी, इस तरह से ज्वाइन कर लूँगी स्लिप स्टिच बनाते हुए। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट जो चैन है उसमें मैं क्रोशे डालूँगी और ये जो मैं सिक्स चैन में बनाई हूँ इसको सारे लिप्स को मैं बैक साइड कर लूँगी जिससे कि मैं लिप्स में बनाऊँगी। तो इस तरह से फोर फंदा उठा लूँगी और एक साथ मैं निकाल लूँगी। देखिए इस तरह से इसके बाद मैं थ्री चेन बनाऊंगी और सेम इसी जगह क्रोशे डालूंगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूंगी। देखिए इस तरह से बन रही है। तो सेम इसी तरह से सारे चेन में बनाते हुए मैं कंप्लीट कर लूंगी। देखिए फ्रेंड्स सारे चेन में इस तरह से बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है, डिजाइन भी बहुत ही अच्छी है। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पे मैं क्रोशे डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी दोनों को। वन चेन बनाकर ये उनको मैं कट कर लूँगी। देखिए ये जो धागे दिख रही है इसको मैं बैक साइड से अंदर करके मैं फिनिशिंग कर लूँगी। इसके बाद देखिए जो ब्राउन कलर से मैं सिक्स चैन बनाई थी इसमें मैं क्रोशे डालूँगी और ग्रीन कलर का मैं ऊन ज्वाइन करूँगी। और इस तरह से देखिए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे वन टू टू चैन बनाने के बाद देखिए सेम इसी जगह पर क्रोशे डालूँगी और इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाऊंगी। इसके बाद दोबारा सेम इस जगह पर क्रोशे डालूंगी और डबल क्रोशे बनाऊंगी। देखिए वन, इसके बाद देखिए क्रोशे पर टू बार धागा लेते हुए ट्रिपल क्रोशे बना लूंगी।
दोबारा सेम उसी तरह से क्रोशिए पर टू पर धागा लेते हुए मैं ट्रिपल क्रोशिए बनाऊंगी। 1 2 3 थ्री बार में से निकालूंगी। दोबारा सेम उसी तरह से मैं ट्रिपल क्रोशिए बनाऊंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। स्टार्टिंग में मैं हाफ डबल क्रोशिए बनाई थी, उसके बाद देखिए डबल क्रोशिए, उसके बाद थ्री बार में ट्रिपल क्रोशिए, इसके बाद यहाँ पर थ्री चेन बना लूँगी। और देखिए इस तरह से यहाँ पर क्रोशिए डालकर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पर देखिए चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 फाइव चेन बनाने के बाद देखिए सेम लूप्स में इस तरह से क्रोशिए डालूँगी और ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं दूसरी लूप्स में क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिए बना लूँगी। देखिए इस तरह से लिप्स बन गई है। तो सेम इसी तरह से सारे लिप्स बनेंगे जैसे कि मैं फर्स्ट लिप्स में बनाई हूँ। वन चेन बनाऊँगी यहाँ पे, 1 2 में चेन बनाई हूँ। इसके बाद देखिए इस तरह से क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से हाफ डबल क्रोशिए बनाऊँगी। इसके बाद 1 डबल क्रोशिए, इसके बाद 3 टाइम्स मैं ट्रिपल क्रोशिए बनाऊँगी 3 बार। देखिए इस तरह से 1 2 3 तो देखिए इस तरह से दूसरी लूप्स बन गई है। इसके बाद मैं यहाँ पर 3 चेन बना लूँगी और सेम इसी जगह पर क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद यहाँ पे मैं चेन बनाऊँगी, 1 2 3 4 5 और देखिए यहाँ पे इस तरह से क्रोशिए डालकर स्लिप स्टिच बनाते हुए ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद देखिए यहाँ से मैं तीसरी लूप्स में क्रोशिए डालूँगी और इस तरह से सिंगल क्रोशिए बना लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से लिप्स बन रही है। तो सेम इसी तरह से सारे लूप्स में लिप्स बनाकर कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स मैं लिप्स पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए 6 लिप्स में बनाई हूँ इस तरह से सनफ्लावर के पत्ते। इसके बाद देखिए लास्ट में यहाँ पर मैं क्रोशिए डालकर ज्वाइन कर लूँगी। वन चेन बनाकर उनको मैं कट कर लूँगी। तो देखिए इस तरह से फ्लावर बन गई है। इसके बाद ये जो धागे दिख रही ग्रीन कलर का, इसको मैं बैक साइड से अंदर करके फिनिशिंग कर लूँगी। और फ्रेंड्स मैं बहुत सारे फ्लावर बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, तो प्लीज़ आप जाकर ज़रूर देखिए। शायद आपको कोई भी डिज़ाइन आपको पसंद आ जाए। फ्लावर बहुत सारे चीज़ों में यूज होती है, तो आप बनाकर यूज कर सकती हैं। कैप फ्रॉक वगैरह में लगा सकती हैं। तो देखिए सेम इसी तरह से येलो कलर में फ्लावर बनाई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर लग रही है और बहुत ही ईजी है। बहुत कम समय में फ्लावर बनाकर आप कंप्लीट कर लेंगी। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें बनाएं, और बनाने में आपको कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहती हैं प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं मिलती हूँ। इसी तरह से मैं अलग अलग फ्लावर बनाकर या बहुत सारे क्रोशे से चीज़ें बनाकर मैं